करने वाले, तेरे परिवार वाले सबके सब मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। ये सत्य है, जिस रात वो आएगा वो अमावस की रात होगी, आकाश विचलित हो उठेगा, सियार रोना शुरू कर देंगे, हर तरफ चमगादड़ उड़ते नजर आएंगे, तब वो तुमसे बदला लेंगे, जरूर आएगा। संकट हो
भी हो जाए, हम पे भी हो जाए तेरी मेहरबानी। ओ तेरी माता रानी, तूने सबकी मानी। पहचान है माता तू महान है, ममता की पहचान है। लेना तेरी शान नहीं, देना तेरी शान है। टूट न जाए आज ये, टूट न जाए आज ये पुरानी। ओ देवी माता रानी, तूने सबकी मानी। ओ देवी माता रानी, तूने सबकी मानी।
तुम्हें तो रक्षक बनना था पर बन गए भक्षक। सबका भक्षण करूंगी मैं, सबका। माँ ने आह्वान की और क्षण भर में मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी काली प्रकट हो गई। फिर माँ ने आवाहन किया हल्के नीले रंग वाली देवी तारा का। ऊर्जा के सभी स्रोतों की देवी हैं, यहां तक कि सूर्य देव को भी अपनी ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त हुई। फिर प्रकट हुआ मां का वो रूप जिसे षोडशी और मां ललिता भी कहा जाता है। दस महाविद्याओं में सबसे प्रमुख ये माँ पार्वती का तांत्रिक स्वरूप है। संसार में सभी का जन्म इन्हीं से हुआ है और अंत में सब कुछ इन्हीं में ही मिल जाता है। अब मां ने पुकारा भैरवनाथ की शक्ति मां भैरवी को। की पुकार सुनकर अबाई मां प्रचंड चंडिका जो अपने ही हाथों में अपना ही कटा हुआ शीश धारण करती धूमावती। और अब प्रकट हुई वो जो विधवा रूप धारणी सदैव श्वेत वस्त्र धारण करती। अब सभी के मन में भय का संचार करने प्रकट हुई मां पीताम्बरा, देवी का उग्र स्वरूप जो क्षण भर में ही अपने शत्रु को स्तब्ध अर्थात शक्तिहीन करने में समर्थ। मां के आह्वान से जो प्रकट हुए वो थी तांत्रिकों की सरस्वती कहलाने वाली माँ मातंगी। माँ मातंगी सरस्वती स्वरूप।
अब सबसे अंत में आई। 10 महाविद्याओं में अंतिम तांत्रिकों की लक्ष्मी स्वरूप माँ कमला। प्रिय लक्ष्मी का तांत्रिक रूप।